तो उसका हमने लहसुन छील दिया है और दो दो घंटे और बचे, इसको भी बाद में छीलेंगे। तो एक क्यारी बन गई है बिल्कुल पटेला। हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल, बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल पाड़ी पी रेजी वाल ब्लॉग में। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सब ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी 8 बजे से मॉर्निंग के। तो काम नाश्ता बन रहा है, मम्मी बना रहे हैं और मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। तो आज आ गया बादल, क्योंकि बारिश नहीं होती तो ठीक ही था। फसल अब सबकी हो ही गई है तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर बारिश आएगी तो। फिर भी बादल लगाई है और उसके पापा वो वहाँ गए खेत में रैपर मारने। तो वो रैपर वो होता है ना, अभी पास जाती तो फिर दिखाती है, अभी तो घर में ही हूँ। तो जैसे धान कट जाते हैं, जो नरी होती है उसको काटने के लिए, उसको काट के तो सूख जाती है, फिर आग लगा देते हैं। अब जैसी जैसी सुविधा आ गई तो लोग, पहले ज़माने में तो कहाँ हुआ ऐसा, खाली नरी जलाते थे सूखती थी। तो आजकल अब ये पहले इसको रैपर से काटते हैं, वो नरी काटते हैं, पूरी काटते हैं, फिर सूख जाते फिर आग जला देते हैं, तो अच्छा होता है। और ठीक है फिर। और आज है महात्मा गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। और हमारे घर में दो बेटों का भी बर्थडे है, तो कल भी था वैसे, कल भी था बर्थडे, तो कल मैंने नहीं बनाया, दिन में गायब हो गया था सरार का ब्लॉग तो तभी उसके वजह से नहीं बनाया। तो कल भी था बर्थडे और आज भी है दो का बर्थडे, तो जाएंगे बर्थडे में, बच्चे लोग जाएंगे, बच्चों की बाहर आ रखे डेली बर्थडे 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 ना, वैसे भी केक खाते खाते। तो नाश्ता वास्ता करते हैं। आज हमें काम करना है सब्जी का, खेत में सब्जी बोनी है। खेत तो हमने उसी दिन जोत दिया था तो सब्जी नहीं बोई है। तो लहसुन देखो क्या क्या बोते हैं खेत में, खेत बराबर करना है। आज हमारा ये काम है तो नाश्ता वास्ता करेंगे तो खेत का काम करेंगे फिर। तो चलो बाद में मिलते हैं। आज लगा है देखो बादल, कितना बादल आ रखा है। दोस्तों हमने लहसुन छील दिया है और दो घंटे और बचे, इसको भी बाद में छीलेंगे। तो ये वैष्णवी से काम कराया मैंने, वैष्णवी को आ गया है पसीना देखो, गुड। अभी लहसुन भी बोएगी वैष्णवी हमारे साथ ना। और मयंक कर रहा है वो वहाँ काम अमा के साथ मेड़ डालने में लगा पड़ा है देखो। गुड, देख मयंक भैया कितने अच्छे से काम कर रहा है। क्या बना रहे हो इतनी लंबी लंबी क्यारी इस बार? उस साइड तो मैं जा रही हूँ पहले चरी काटने, फिर बोएंगे लहसुन। तो घास भी काटना ही हुआ, क्या खाएंगे जानवर, तभी की खल जानवर। तो मैं पहले बार चरी काटती हूँ फिर बोएंगे लहसुन। लहसुन तराती हरा गई मेरी। तो एक क्यारी बन गई है बिल्कुल पटेला लगा दिया और बच्चे भी लहसुन बोने में बो रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अम्मा की। और मयंक का चेहरा देखो, इधर दिखा, अच्छा रखा है कपड़े देखो काम कर रहा है, ये भी काम कर रही है, गंदे ही तो हो रखे हैं। आजा काम कर फटाफट, जल्दी आ, देख फिर देख दे। अब और मस्ती कर रहा है देख, यहाँ काम करने के लिए बोला मस्ती कर रहा है, जल्दी आ। आज क्या है? महात्मा गांधी का बर्थडे है तो हमने महात्मा गांधी का बर्थडे बहुत खूब सेलिब्रेट करा था। कैसे करा सेलिब्रेट? आज है, आज ही कर दिया सेलिब्रेट। हाँ आज करा था,
अच्छा था, अच्छा मजा आया, मतलब तब महात्मा गांधी भी और मैं बोला आज महात्मा गांधी का केक खाएंगे तो केक खाओगे। महात्मा गांधी की जय बर्थडे है तो आज हम कर रहे जन गण मन जय नायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा गावेण उचित गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल सिद गंगा तब शुद्ध नावे जागे तब शुद्ध नाशिष मागे गाए कव जय दाता जन गण मंगल नायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद भारत माता की जय वंदे मातरम। आज क्या है? महात्मा गांधी का बर्थडे है। गांधी जयंती। आज क्या है? गांधी जयंती। हाँ जयंती। मम्मी आज क्या है? महात्मा गांधी जयंती है। हमें आ गया है बर्थडे का इनवाइट। बड़ी मम्मी के नातियों का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मा। मम्मा गौरव दा शाम को आएंगे बन के। अभी नहीं। और आज एक तो गांधी जयंती भी है और बड़ी मम्मी के नातियों का भी बर्थडे है। कहाँ गया गौरव? चला गया। तो लहसुन हो गए खत्म। अब हम दोबारा खोड़ने लग गए। आधी ग्यारी भी नहीं हो रखी है तो देखो कितना लगा पाते हैं। अभी तो एक ही ग्यारी लगा पाएंगे। अब मेरा भी लग गया। मोल खटा मेरे अच्छे मोल खटा मोर मोर मोन पिटू पिटू करूंगा तो मैं पिटू पिटू। मम्मी महात्मा गांधी जयंती के बारे में दो लाइन गा रहे हैं। चलो सुना रहे हैं। हाँ अपनी सुरीली आवाजों से चलो सुनाओ दो लाइन गाने की। सुनाओ जल्दी। बापू हमारे स्वर्ग के तारे हमें छोड़ चले मधुबन के किनारे जब बाबू को गोली लगी थी तब सारी हमारे स्वर्ग के तारे हमें छोड़ चले मधु बन के किनारे जब को जलाने लगे तब सारी दुनिया जलाने लगी बापू हमारे स्वर्ग के तारे। वाह 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 भारत माता की जय। एक ही बार होता है इतने बार में। देख अमाने कितने अच्छे गाया ना दो लाइन। गुड गुड अमा गुड गुड अमा गुड। तो वार का हो गया है काम ख़त्म और लहसुन लगा दिया। एक क्यारी लगाई है लहसुन तो ना दो के मैं तो मतलब कपड़े पड़े धोए मैंने। मम्मी भारी है अभी आ रही है। पराल डाल दिए उसमें तो पराल डाल देते हैं ना लहसुन में
तो फिर गोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और पराल डाल के पराल सड़ जाता है तो मैल लहसुन में ही लग जाता है, तभी पराल से ढकते हैं, पाले के उससे ढकते हैं, पाले से मतलब कुछ भी ख़राब हो जाती है ना तो पाले के उससे ढकते हैं। फिर जब मतलब कोई तो उठा देता है पराल लहसुन में से, कोई नहीं उठाता तो हम तो नहीं उठाते हैं, उसी में सड़ जाता है, मैल लग जाता है। तो अब पापा ने बना दिया है भात, और अभी गए हैं भट्टे में बीरा को भात देने, तो अब हम खाएंगे भी थोड़ी देर में, पापा भी आएंगे देंगे खाना। शाम को हमने और लगाया लहसुन, तो हमारी 2 क्यारी लहसुन बो दी है हमने, तो लहसुन का काम हो गया है कंप्लीट। और फिर हमने थोड़ा लहसुन पराल डाल के ढक दिया है, तो दोनों क्यारी पराल से ढक दी। और फिर हमने थोड़ी बोई राई खेत में, और मैंने मम्मी का हाथ बटाया लहसुन बोने में, और बच्चों ने भी की हमारी मदद लहसुन बोने में। तो फिर शाम को उन्होंने करी पढ़ाई, तभी वो खेत में नहीं आ पाए, और वैष्णवी ने बनाई है, थोड़ा बादल दिखाया वैष्णवी ने, बारिश भी हो रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी फिर साफ हो गया था बादल। तो बर्थडे से आ गए घर, जल्दीबाजी में गए क्योंकि जल्दी काट दिया था उन्होंने केक, एक तो उनकी कंपेन भी आ गई थी ना खेत में, तो अभी कट रहे हैं धान बड़े उम्मीद हो के, तो फटाफट काटा उन्होंने केक, तो मैं भी ऐसी गई, ये लोग तैयार हो गए थे, तो पापा वहीं थे खेत में, तो पहुँचाने के लिए कोई नहीं था तो मैं पहुँचाने गई, तो फिर वहाँ केक कट गया था, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई वहाँ की बर्थडे की। तो अब सब्जी वब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं फिर, और वैसे भी कपड़े चेंज कर, तो वैसे भी लाइए वहाँ से बलून, तो अरे बलून ला रखी है मैं, नीचे तो अब देखो का है, किसकी सब्जी बनाते हैं देखती हूँ। तो गाइस देखो मेरी मोती और बलून की माला, बाहर का काम तो फिलहाल हो ही गया, अभी मम्मी अंदर नहीं आई है, नारे होंगे मम्मी, तो सब्जी देखती हूँ किसकी काट। दोस्तों खाना ना बनाते हैं, तो सब्जी मैंने बना दी है, छांव वाली सब्जी बनाई है लौकी की, तो आज बाहर का काम हो गया, अब देखो कल क्या काम होता है। फिलहाल बाहर का काम तो क्या हुआ है, अभी आलू नहीं बोए हैं, खाली लहसुन ही बो रखा है, और राई बो रखी है अभी, तो कल देखो क्या होता है काम। वैसे अब तो काम बढ़ता गया जैसे धान का काम, अब ये बाबर में आपूर्ति मतलब बढ़ गई, मतलब यहाँ ज़्यादा नहीं होती है, पहाड़ों में तो होते रहती है, मतलब यहाँ थोड़ा ये हुआ, एक महीने का काम होता है सुबह शाम, मतलब एक महीने का काम होता है, ना सोने की फुर्सत ना खाने की, ऐसा होता है, फिर तो आराम ही होता है, बस एक महीना हुआ थोड़ा यहाँ गेहूँ बुआई तक, तभी गेहूँ बुआई तक हुआ थोड़ा काम, फिर उसके बाद आराम। तो फिलहाल अभी हमारे धान तो कटे नहीं है, अभी थोड़ा हुए ही नहीं है, एक हफ्ता लगेगा शायद, तो मौसम भी ऐसा ख़राब कर रहा है, ऐसा हो रहा है मौसम भी, मतलब अब नहीं होती तो बारिश ठीक ही था, फल सल तैयार हो गई है, तो मरीन का है बच्चों का स्कूल, तो रोटी बनाती हूँ मैं, 9 बजने वाले हैं, तो आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो ब्लॉग में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं जल्दी मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।